दोस्तों कब्ज कहने को तो यह बहुत ही छोटा सा शब्द है, लेकिन इसके इफेक्ट इतने हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब कब्ज आपके शरीर की सारी बीमारियों की जड़ है। सुबह सुबह अगर आपका पेट अच्छे से साफ नहीं होता, बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, पेट में दर्द रहता है, इसकी वजह से पूरा दिन खराब जाता है, काम करने में मन नहीं लगता, मन चिड़चिड़ा रहता है। पेट अच्छे से साफ न होने और पेट में होने वाले दर्द के कारण इसका लीवर पर बुरा असर पड़ता है। इससे हमारा लीवर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है, खाने को अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होने देता, इसकी वजह से हमारे शरीर में फैट बढ़ने लगता है, शरीर में खून गंदा होने लगता है, चेहरा डल दिखने लगता है, चेहरे पर चमक गायब होने लगती है, नसों में ब्लॉकेज होने लगती है, बाल झड़ने लगते हैं। मतलब साफ है, अगर आपका पेट अच्छे से साफ है तो आप कई बीमारियों से बच सकते हैं। और अगर आपको इस तरह की कोई भी बीमारी है तो सबसे पहले अपने पेट को साफ करो। तो आज इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसा घरेलू उपाय लेकर आए हैं जिसका इस्तेमाल करके आप कब्ज की प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर सकते हैं और काफी सारी बीमारियों से बचे रह सकते हैं। चलिए ये देखते हैं इसे तैयार कैसे करना है। दोस्तों वीडियो की जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। जब आप वीडियो को लाइक करते हो, पसंद करते हो तो हमारा मोटिवेशन अप होता है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत अपने मोबाइल में मिल जाए। दोस्तों इस उपाय को बनाने के लिए आपको चार चीजों की जरूरत पड़ेगी, अजवाइन, सेंधा नमक, गुड़ और त्रिफला चूर्ण। गुड़ आपको डार्क कलर वाला लेना है। चलिए इसे बनाने के लिए आप सबसे पहले लीजिए अजवाइन। जब भी पेट से जुड़ी कोई समस्या आती है, चाहे वह गैस हो, पेट फूलने की समस्या हो, पेट में बार बार दर्द, कब्ज, अपच की समस्या हो, तो अजवाइन इसमें बहुत फायदेमंद है। इसलिए बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी अजवाइन का यूज किया जाता है। आपको यहाँ पर क्या करना है, 2 चम्मच अजवाइन लेना है और इसे तवे पर डालकर हल्का भून लेना है, ताकि इसके अंदर की जो नमी है वह निकल जाए। और अजवाइन को पीसकर चूर्ण बना लेना है और इसे किसी बॉल में निकाल लीजिए। आप घर में बनाओगे तो ज्यादा मात्रा में बना लेंगे, यह खराब नहीं होता। इसके साथ आपको यहाँ पर लेना है त्रिफला पाउडर। यह त्रिफला पाउडर दोस्तों आपको किसी भी मेडिकल स्टोर या पंसारी की शॉप से आसानी से मिल जाएगा। यह ज्यादा महंगा भी नहीं होता और त्रिफला पाउडर बहुत सी बीमारियों का इलाज करता है, खासकर कब्ज में यह बहुत फायदेमंद है। और साथ ही साथ यह डायबिटीज वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। जिनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है उन्हें त्रिफला का सेवन करना चाहिए, इससे उनका ब्लड शुगर लेवल हमेशा कंट्रोल में रहता है। इसके अलावा इसके मेन फायदों की बात की जाए तो यह पेट को अच्छे से साफ करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, जिससे हमारी स्किन में एक ग्लो आता है और हेयर क्वालिटी भी अच्छी हो जाती है। त्रिफला पाउडर दोस्तों एड़ी से लेकर चोटी तक हर अंग के लिए फायदेमंद है। तो यहाँ पर आपको 3 चम्मच त्रिफला पाउडर ऐड कर देना है। आखिरी चीज जो इसमें मिलानी है वह है सेंधा नमक। अगर आपके घर में काला नमक है तो वह भी आप ऐड कर सकते हो, आप स्वाद अनुसार इसमें ऐड कर दीजिए। यहाँ पर मैं 1/2 चम्मच ले रहा हूँ। दोस्तों सेंधा नमक जो है वह हमारे पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। अब हम तीनों औषधियों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, चूर्ण की तरह बना लेंगे। और यह जो चूर्ण है दोस्तों पेट में जमा मल बाहर निकालने और पेट साफ करने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। चलिए जानते हैं इसका इस्तेमाल कैसे करना है। दोस्तों इस चूर्ण का इस्तेमाल आप रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं, या फिर सुबह जब भी उठे खाली पेट इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग करने के लिए आपको क्या करना है, 1 गिलास गुनगुना पानी लेना है, उसमें मिला देना है 1/2 चम्मच गुड़। दोस्तों पानी में गुड़ लेने से मल सख्त नहीं होता, जिससे मल त्यागने में आसानी होती है और पेट अच्छे से साफ हो जाता है। तो यहाँ पर आप गुड़ लीजिए और इसे बारीक पीस लीजिए और इस पानी में मिलाकर घोल लीजिए। और फिर आपको मिलाना है 1 चम्मच इस चूर्ण को इस औषधि को, मिक्स करके और सिप सिप करके आराम से पी लेना है। बस पीने का यही तरीका है दोस्तों, आपको घटाघट नहीं पीना, आराम से बैठकर इस औषधि का सेवन कीजिए। सुबह खाली पेट अगर आप करते हो तो आपको बासी मुंह बगैर कुल्ला किए, बगैर दांत साफ किए करना है। इसे पीने के बाद 10 मिनट में ही आप देखेंगे कि आपको प्रेशर आएगा, आपका पेट साफ होगा, लेकिन हो सकता है कि 1 या 2 दिन में आपको इस चूर्ण का फर्क महसूस न हो। इसका मतलब यह नहीं है कि आप इसे फॉलो करना ही छोड़ दें, लगातार कम से कम 15 दिनों तक फॉलो कीजिए। आपको 4 से 5 खुराक में ही इसका असर देखने को मिलेगा, पेट बहुत ही अच्छे से साफ होगा और आप पूरा दिन एनर्जेटिक फील करोगे, हल्का फील करोगे। अगर आप रात को लेना चाहे तो इसका रात को भी प्रयोग किया जा सकता है। रात को खाना खाने के 1 घंटे बाद इसी तरह आपको लेना है। 1 गिलास गुनगुना पानी लेना है, उसमें 1/2 चम्मच गुड़ मिलाकर मिक्स करना है और इसमें 1 चम्मच चूर्ण लेना है और आराम से सिप सिप करके पी लेना है। आप चाहे तो इस चूर्ण की फांकी लेकर ऊपर से पानी भी पी सकते हो, लेकिन पानी पीने का तरीका वही है, सिप सिप करके, गटागट करके नहीं पीना, ध्यान रखिएगा। तो इसका इस्तेमाल कीजिए, प्रयोग कीजिए, इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है दोस्तों। और इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुँचाएं, ताकि वह भी इस जानकारी का फायदा उठा सके। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।